झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने में जुटे हैं। जगह जगह अभिनंदन सह विजय संकल्प सभाओं का आयोजन हो रहा है। इस बीच 20 जुलाई को धुरवा के जगन्नाथ मैदान में झारखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हाँ, क्योंकि कार्य समिति को खुद गृहमंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी नेता पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभा स्थल से लेकर के पार्टी कार्यालय तक तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार एक्टिव रहते हैं, पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग लोकसभा चुनाव सम्पन्न हुआ उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं को साथ बैठने का, समीक्षा करने का, उत्साहवर्धन करने का, संकल्प लेने का काम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। प्रदेश की बृहद कार्य समिति की बैठक 20 तारीख को रखी गई है, जिसमें हमारे संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उसमें उपस्थित होने वाले हैं। पूरे प्रदेश में जितने भी मंडल हैं, सभी मंडलों से पूरी की पूरी कार्य समिति उनकी आने वाली है। हम सब कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है कि पहला बार झारखंड प्रदेश में इस तरह की बैठक होगी, जिसमें मंडल के भी प्रत्येक इकाई के लोग प्रदेश के लोगों के साथ बैठ के एक चिंतन बैठक करेंगे कि आगे आने वाले 3 महीनों में जो चुनाव होने हैं उसमें हम किस रणनीति के तहत आगे बढ़े और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का काम करें और ये निकम्मी सरकार को गिराने का काम करें। तो हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उत्साह है, सभी लोग लगे हुए हैं। हम व्यवस्था टोली के लोग हैं, पूरी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे पूरे प्रदेश के जो कार्यकर्ता हमारे यहाँ आएंगे उनको हम अच्छे से यहाँ बैठाने का काम, खिलाने का काम, पानी पिलाने का काम और साथ में इस मैदान को भी स्वच्छ वातावरण में कार्यक्रम को संपन्न कराने का काम उसको करने में। देखिए, मुख्य मंच में हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, सहित भाजपा के जो चुनाव पदाधिकारी अपने यहाँ जो नियुक्त हुए हैं वो लोग भी रहेंगे, अपने प्रदेश के संगठन के माध्यम से जो प्रभारी नियुक्त हैं लक्ष्मी कांत वाजपेयी जी वो भी उपस्थित रहेंगे, हमारे प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता, सभी सांसद, सभी विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधि सहित मंडल तक के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहेंगे।